Gaurav Sharma is a name to reckon with in the world of powerlifting. In a freewheeling chat with nnis sport, Gaurav Sharma said what sets him apart is his ability to not get fazed by obstacles. When Gaurav was a child, he fell from the fourth floor and was seriously hurt. He broke his foot and had to recuperate for a long time. But that did not deter him. On recovering, he joined the Hanuman akhada and started wrestling. Gaurav is now getting into shooting and believes that in 2024 he will win gold for India in shooting. Gaurav, who took up powerlifting at the age of 17, is a giant of the sport. He had won 2 gold medals at the European Championships earlier this year. He had also set a new world record with a lift of 242 kilograms. Powerlifting, I will tell you, powerlifting I'm doing from 2005, but powerlifting before I was weightlifting. वेट लिफ्टिंग में भी कंटिन्यूसली मैं 3 से 4 साल दिल्ली स्टेट चैंपियन रहा. उससे पहले मैं रेसलिंग करता था. तो मेरी स्पोर्ट्स की जो जर्नी है वो बेसिकली जो स्टार्ट हुई वो रेसलिंग से हुई. गुरु हनुमान अखाड़ा है, आपने कभी सुना हो तो, जिसमें अभी तक 14 से 15 अर्जुन अवार्डी, 4 से 5 पद्मश्री, काफ़ी बड़ा अखाड़ा है वो. तो गुरु हनुमान अखाड़े में मैं ट्रेनिंग लेता था. द्रोणाचार्य अवार्डी श्री मान सिंह राव जी कोच साहब थे हमारे वहाँ, उनसे मैं ट्रेनिंग लेता था. 1 साल मैंने वहाँ ट्रेनिंग करी, लेकिन मेरी बैक में इंजरी की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा. मेरी बैक में इंजरी हो गई थी, तो 2 से 3 महीने मैं थोड़ा रेस्ट पे रहा. मतलब चलना फिरना भी थोड़ा मेरा कम हो गया था, तो फिर मेरे को रेसलिंग छोड़नी पड़ी. रेसलिंग छोड़ करके फिर मैं वेट लिफ्टिंग में आ गया. बचपन से ही था मेरे को कि कुछ मेरे को अलग करना है. एक मंदिर का महंत तो हूँ मैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को देश के लिए कुछ मेडल भी लेकर के आने हैं, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर. तो फिर मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी. वेट लिफ्टिंग में चैंपियन रहा मैं. उसके बाद फिर मैं 2005 से कंटिन्यूसली पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ. पावर लिफ्टिंग में मैं अभी तक कॉमनवेल्थ, एशिया, यूरोपियन, वर्ल्ड काफ़ी सारे मेडल जीत चुका हूँ आप लोगों की दुआओं से जी. द दिल्ली एथलीट ऑल्सो क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स एट द 2016 वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स इन इंग्लैंड. अर्लियर इन 2007 ही हैड वॉन फॉर गोल्ड मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स इन न्यूजीलैंड. देखिए मैं आपको बताऊं, मैं डरा आज तक कभी नहीं. मुझे था कि मैं टूटूंगा फूटूंगा कोई बात नहीं, हड्डियाँ टूटेंगी लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा. और हार मैं आज तक माना भी नहीं. और मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि हार कभी माननी भी नहीं चाहिए. तो जब आप हार को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं ना, जब भी आप चैंपियन बनते हैं, आप कुछ बहाने लगाते रहेंगे, हार मानते रहेंगे, तो आप कभी चैंपियन नहीं बन पाएंगे, कभी मेडल नहीं लेके आ पाएंगे. आप बस बहाने लगाते रहेंगे और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे जी. तो चोटें लगती रहीं मेरे को, लेकिन चोटों के बाद भी मैं खड़ा होता रहा. तो फिर उसके बाद फिर कुछ लोग भी होते हैं आपकी लाइफ में आपको उठाने वाले, वो लोग भी कोसते रहते हैं. आप कितना मर्जी चैंपियन बन जाए, उनका काम है सिर्फ आपको कोसना. तो वो लोग को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में हैं. आप सबके लोगों की भी होंगे कुछ ना कुछ लोग, आप जितना भी अच्छा कर लें तो उनको कोसना ही होता है. तो उनकी वजह से भी मैं यहाँ तक पहुँचा कि आज वो ना होते तो मैं भी ना यहाँ तक पहुँचता. Initially starting out as a weightlifter, Gaurav later switched to powerlifting under the guidance of Dronacharya Awardi coach Bhupinder Dhawan. मेरे अभी तक बड़े कोई 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं. मैं एक तो फोर्थ फ्लोर से गिर गया था जब पैरालाइज हो गया था. मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब उठ नहीं सकता है, तो कुछ कर नहीं सकता है. लेकिन फिर मैंने आपको बताया, जैसे भी मैंने हार नहीं मानी, मैं पड़ा पड़ा भी मतलब कुछ ना कुछ करता रहता था. मतलब मैं था पूरा 1 साल 1.5 साल बेड पे था, लेकिन मैं उसके बावजूद भी बेड पे पड़ा पड़ा भी कुछ ना कुछ करता रहता था. तो मेरे घर वालों को था कि यार ये कहीं दोबारा चोट ना खा ले. डॉक्टरों ने भी मना किया हुआ था कि अब आपको स्पोर्ट्स करना ही नहीं है, आप करेंगे तो आपकी मतलब कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है आपके साथ. लेकिन मैंने हार नहीं मानी, उस सबको भी मैं पीछे छोड़ करके फिर चैंपियन बना. क्या वो चीज हिट की उस टाइम पे? वो हिट बस यही की कि जब मैं बैट पे था तो मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे. लोग बोलते थे कि यार अब कुछ नहीं कर सकता, अब तो ये ख़त्म हो गई इसकी लाइफ, ये बैट पे पड़ा रहेगा, ये तो लंगड़ा हो गया, अपाइज हो गया, मतलब अलग अलग तरीके की जो 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 जैसे जैसे बोल सकता है, आपकी तारीफ कर सकता है गंदे शब्दों में, एक कोसने वाले शब्दों में, वो करते रहते थे लोग. तो उन शब्दों की वजह से ही मैं चैंपियन बना. और जब मैंने उनको बोला कि थैंक यू जी, मुझे अच्छे से मालूम था कि ये ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है. लेकिन मैं वेट लिफ्टिंग करता था, तो वेट लिफ्टिंग के साथ मैं पावर लिफ्टिंग में आ गया. तो दोनों में उठाना वेट ही है,
लेकिन उसमें स्नैच और जर्क करना होता है वेट लिफ्टिंग में. पावर लिफ्टिंग में बेंच डेड स्क्वाट मारनी होती है. तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन क्या था कि मुझे जो मेरी स्टार्टिंग थी वो बड़ी एक अच्छी स्टार्टिंग हुई थी. तो वो स्टार्टिंग ऐसी हो गई थी कि पावर लिफ्टिंग को फिर मैं छोड़ ही नहीं पाया. तो 2005 से कंटिन्यूसली करता हुआ मैं अब 2019 में मैंने लिफ्टिंग छोड़ी है, क्योंकि मेरे लिगामेंट्स ब्रेक हो गए हैं. तो मेरी जो स्टार्टिंग थी वो ये थी कि मतलब जब मैं फ़र्स्ट टाइम खेलने गया, मैं स्टेट में मेरा मेडल आ गया, मैं फ़र्स्ट टाइम नेशनल खेलने गया, तो मेरे को गुरु जी जो है मेरे वो लेकर के गए, द्रोणाचार्य अवार्डी श्री भूपेंद्र धवन जी मेरे को लेके गए. तो उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला कि चल तेरे को मैं खिला के लाता हूँ और तेरा मेडल आएगा, ऐसा कुछ नहीं. उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि अभी तू चल, अभी देख के आएंगे वहाँ पे कि नेशनल चैम्पियनशिप होती क्या है और होती कैसे है, कितना वेट मारना पड़ता है, क्या टेक्निक्स होती हैं, मतलब कितने आपके साथ जो है आपके स्पोर्ट्समैन जो आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे वो कितने होते हैं. तो मैं गया था देखने, लेकिन देखने के साथ साथ मतलब उन्होंने मेरे को पार्टिसिपेट कराया और मेरा सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में 2007 में मैं देखने गया था और मेरा नेशनल चैम्पियनशिप में 2 सिल्वर 1 गोल्ड 3 मेडल मेरे सीनियर में आए. तो उस दिन से मेरे को भी अपने आप पे भरोसा हो गया और ज़्यादा कि हाँ मैं कर सकता हूँ अच्छा. पावर थी, टेक्निक नहीं थी. टेक्निक मेरे गुरुजी ने मुझे बताई और उन्होंने बताया कि पावर का यूज़ कैसे करते हैं आप. तो गुरुजी ने जब बताया, वो मेरी फ़ाइट करा रहे थे, मुझे नहीं मालूम था, वो मेरी फ़ाइट करा रहे थे और स्पोर्ट्समैन से और पावर लिफ्टर से कि 3-3 किलो की. मैं ये नहीं कह रहा मैं 20 किलो 50 किलो से जीता, मैं 3-3 किलो से जीता. तो मेरे को नहीं मालूम था कितना वेट मुझे मारना है कितना नहीं, बस वो कह रहे थे भाई तुझे वेट की भी चिंता नहीं करनी है, मैं तुझे जैसे कह रहा हूँ तू वैसा करता जा. अब वो कहते थे भाई इतना वेट मारना है जाकर के तुझे मार के आना है. मैंने जी ठीक है. पब्लिक थी जब मैं जाता था तो हल्ला मस्ता था थोड़ा कि हाँ भाई जूनियर लड़का है सीनियर में खेल रहा है, तो बहुत शाबाशी मिलती थी मुझे. मैं जाकर के खेलने लगा. तो जाकर के फिर जब मैंने एंड में रिजल्ट देखा तो मुझे पता लगा मेरे 3 मेडल आए हैं, तो बहुत खुशी मिली मुझे. तो गुरुजी को भी उस दिन से भरोसा हो गया मेरे ऊपर और मुझे भी कि हाँ मैं अब आगे भी खेल सकता हूँ और ये गेम मैं कंटिन्यूसली कर सकता हूँ. जी देखिए उस टाइम पे दुख नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में मुझे दुख होता है. और दुख इसलिए होता है कि एक फेडरेशन थी, बहुत अच्छा गेम चल रहा था. आज की डेट में 3 से 4, 5 और ज़्यादा भी फेडरेशन हो गई हैं और कोई उनको वॉच नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट बॉडी उनको देख नहीं रही है. तो सब लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मतलब ना स्टेट खिला रहे हैं, ना नेशनल खिला रहे हैं, ना कोई कैंप लग रहा है, ना कोई अप्रूवल ले रहे हैं गवर्नमेंट से. बस सीधा आपके पास पैसा है, आप अपने कोच को दीजिए और जा करके वर्ल्ड चैम्पियन बन जाइए. तो वो सब मैं आप लोगों से बस यही चैनल कहना चाहूँगा कि मतलब जब एक स्पोर्ट्समैन बच्चा आपके पास आता है तो उसको कुछ गलत गाइड ना करें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है वो. बस देखिए जैसे मैंने आपको बताया अभी तक की जर्नी है अपनी कि मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स करता आ रहा हूँ. बचपन से एक स्पोर्ट्स वाली स्प्लिट है मेरे अंदर कि स्पोर्ट्स में कुछ करना है मुझे. जब मेरे लिगामेंट्स वगैरह टूट गए, ऑपरेशन हो गए, डॉक्टरों ने तो शुरू से मना किया हुआ था, लेकिन अब जाकर के मुझे लगा कि यार अब अपनी ज़िंदगी से और ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अभी आप भी देख रहे होंगे, मैं पिछले साल भर से लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ. मतलब मेरे लिगामेंट एक का ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा टूट गया है, बैक में भी पेन रहता है. 6'3" हाइट है मेरी, 160 किलो मेरा वजन है, प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं. और फिर उसके अलावा फिर अब बच्चा बच्चा वर्ल्ड चैम्पियन बन रहा है, तो उनके साथ हमारी भी मैच खबराब होती है. तो इस करके मैंने पावर लिफ्टिंग को ब्रेक किया, पावर लिफ्टिंग छोड़ दी मैंने. अब पावर लिफ्टिंग छोड़ने के बाद मैं अब शूटिंग में आ गया हूँ. मैं शूटिंग का अभी 10 मीटर एयर पिस्टल का खेल चुका हूँ दिल्ली स्टेट, उसमें मैं कुछ पॉइंटों से रह गया हूँ. लेकिन कोच साहब ने कहा था, मेरे फलक शेख आलम जो है मेरे इंटरनेशनल शूटर कोच हैं, उन्होंने बोला था कि काफ़ी अच्छा कर रहा है और कंटिन्यूसली मैं प्रैक्टिस करता रहा. तो अभी पिछले हफ्ते ही मेरा खेलो मास्टर गेम्स हुए थे, तो उसके मास्टर खेलो मास्टर गेम में मेरा 10 मीटर एयर राइफल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया. तो मतलब हार नहीं माननी बस आपको, तो ज़रूर चैंपियन बनेंगे. एक गेम छोड़ा, दूसरे में आ जाइए. मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मैं आज की डेट में देखिए मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ. और हाँ, पहले जो जितना चंचल था, जितना मेरा चंचल स्वभाव था, वो सबको छोड़ करके मैं अब एक
शूटिंग जो एक निशाने का एक अच्छा आपने जो बोला अभी उसका गेम है, तो उसके लिए ध्यान मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ। और उसके लिए लाइट मतलब हैवी वेट तो नहीं है अब, लाइट वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, तो वो भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दो दो तीन तीन किलो की, पाँच पाँच किलो की भी गनें होती हैं, वो उठानी है, तो वो ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ आज के डेट में। जी देखिए, अभी जो 2020 का ओलंपिक है तो काफ़ी करीब है मेरे, इतनी जल्दी इसकी तैयारी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन 2024 के लिए मैं हाँ आपसे बोल सकता हूँ कि आपके चैनल से बोल सकता हूँ कि हाँ मैं एक अच्छी तैयारी के साथ 2024 ओलंपिक में आपको दिखूँगा। जी, उसके लिए मेरी अभी से ही तैयारी चालू हो गई है। टाइम तो देखिए मैनेजमेंट का ही खेल है, तो आज के दिन में देखता हूँ मैं, काफ़ी लोगों के पास कुछ नहीं होता है लेकिन फिर भी कहते हैं यार मैं बड़ा बिजी हूँ, तो फालतू बातें हैं। टाइम लाइफ में मैनेजमेंट का ही खेल है, जितना अच्छा मैनेज करेंगे कि घर को भी उतना ही टाइम देना है, फैमिली भी देखनी है, मंदिर भी देखना है, अपना स्पोर्ट्स भी देखना है, अपना करियर भी देखना है, तो सब टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। जितना अच्छा आप मैनेज करेंगे सब चीज़ को उतना ही अच्छा आप रहेंगे। खाली ये नहीं कि स्पोर्ट्स में आप चैंपियन बने, हर चीज़ में आपको एक अच्छा चैंपियन, एक अच्छा इंसान बन के दिखाना होगा। जी, नेक्स्ट अब शूटिंग में मेरे को मेडल लेकर के आना है देश के लिए जल्दी, तो उसकी तैयारी चल रही है मेरी, उसको शूटिंग को मैं पूरा टाइम देता हूँ। जी, फैमिली का सपोर्ट भी शुरू से अच्छा ही रहा, और मेरे फादर साहब का, पिताजी का सपोर्ट, उनका आशीर्वाद काफ़ी रहा मेरे को, मेरी माँ का भी बहुत आशीर्वाद रहा। उसके साथ साथ मेरी माँ, जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेलने गया तो बहुत परेशान भी हुई, क्योंकि मैं चार बहनों पर एक भाई हूँ, सबसे छोटा हूँ घर में, बहुत लाडला था, तो जब पहली बार मैं इतनी दूर गया तो मेरी माँ भेज ही नहीं रही थी मुझे, मैं आपको बताऊँ, और मेरे को भेजा भी तो बहुत रो रो के भेजा, और अपना ये ध्यान रखियो, ये ध्यान रखियो, ये जैसे होता है एक घर का एक सबसे छोटा बच्चा और आपका, और वो पहली बार इतनी दूर जा रहा है। और मैं बताऊँ, पहली बार मैं गया भी मैं कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी लगार्ड में, फ्रांस में, पहले यहाँ से फ़्लाइट थी 8 से 10 घंटे की, फिर उसके बाद एक बस की जर्नी थी 8 से 10 घंटे की, उसके बाद जा कर के मैं पहुँचा था लगार्ड में। और वहाँ यूरोप में मेरे को सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई, फर्स्ट टाइम गया तो मुझे इतना मालूम भी नहीं था, एज भी छोटी थी, टीम मैनेजर जो थे हमारे वो भी देख रहे थे कि प्योर वेजिटेरियन है, और पूरी टीम में मैं अकेला ही प्योर वेजिटेरियन था, तो वो मेरे लिए भी कर रहे थे अरेंजमेंट, लेकिन फिर भी वहाँ आसपास इतना अरेंजमेंट टीम मेरा अकेले का नहीं हो पा रहा था। तो मैं वहाँ पे 4 से 5 दिन थोड़ा बहुत कम डाइट मिली मुझे, जो मेरी नॉर्मल अच्छी डाइट होती है वो नहीं मिल पाई, बहुत ही कम डाइट मिली, जिसकी वजह से मेरा 5 से 6 किलो वज़न कम हो गया 3 से 4 दिन में ही। और फिर वापसी आते हुए मेरा, फिर उस डाइट की वजह से मेरा मेडल भी नहीं आ पाया, क्योंकि डाइट अच्छी नहीं मिलेगी तो वेट भी कैसे मारोगे आप, नहीं मार पाओगे। तो फिर वापसी आते हुए मैं पेरिस आया, तो पेरिस में हमारे एक दोस्त का घर था, तो वहाँ पर हमने खाया, तो वहाँ पर जब खाया तो मेरी जो दोस्त की मम्मी है वो देख रही थी कि मैं कैसे खा रहा था, और मैं वहाँ पे आकर के सीधा, मतलब मैं मानोगे नहीं, मैंने कुछ 27-28 रोटी खाई होंगी, समझ रहे हैं आप, 27-28 रोटी खा करके जब मेरे को पेट वेट भरा होगा मेरा, और जब मैं खा पी करके फिर वहाँ सोया, मैंने कोई बात नहीं, मेडल तो अगली बार आ जाएगा लेकिन खाना ज़रूरी है। फिर वापस इंडिया आया, माँ ने देखा इतना कमज़ोर हो गया, तो माँ ने अगली बार मेरे को कॉम्पिटिशन पर भेजा ही नहीं कि नहीं तेरे को खाना पीना नहीं मिलता है, मैं तुझे नहीं भेजूँगी। फिर टीम मैनेजर से बात करी, उन्होंने हमारे कोच साहब से बात करी, तो कोच साहब स्पेशल हमारे लिए हमारे साथ गए, मेरे गुरुजी, उन्होंने पूरा डाइट का अच्छे से ध्यान रखा। सेकंड टाइम मैं चला गया कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में, तो फिर वहाँ पे मेरे 4 गोल्ड मेडल आए, 4 गोल्ड आए मेरे न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में, तो फिर तो सब चेंज ही हो गया था मेडल आने के बाद। जी सर,